सुप्रभात भैया बहनों, गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में, आज की गीत कहानी की कक्षा में हम लोग चंदा के गांव में चलेंगे। पहले मुझे एक बात बताओ, आसमान में क्या क्या होता है? हाँ, आसमान में चांद, तारे। चांद और तारे कब निकलते हैं? रात में। और सूरज दिन में। सूरज हमें इतने से अच्छे से दिखाई नहीं देता, जब सूरज डूबने लगता है हमें तभी दिखाई देता है। तो आज हम गीत के माध्यम से चंदा के गांव में चलेंगे। कौन कौन चलेगा मेरे साथ? ये देखो बच्चे यहाँ है ना, ये सारे बच्चे गीत गा रहे हैं चंदा के गांव में। तो बोलो, मेरे पीछे पीछे सब अभिनय करेंगे। चंदा के गांव में, चंदा के गांव में, तारों की छाओ में हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे, रॉकेट पे चढ़ के जाएंगे, रॉकेट पे चढ़ के जाएंगे। दाया पाँव अंदर करो, बायां पाँव अंदर करो, थोड़ा थोड़ा इसे हिलाओ, अब तुम सारे घूम जाओ। चंदा के गांव में, तारों की छाँव में हम सैर करने जाएंगे, रॉकेट पे चढ़ के जाएंगे। दायां हाथ अंदर करो, बायां हाथ अंदर करो, थोड़ा थोड़ा इसे हिलाओ, अब तुम सारे घूम जाओ, अब तुम सारे घूम जाओ। चंदा के गांव में, तारों की छाँव में हम सैर करने जाएंगे, रॉकेट पे चढ़ के जाएंगे। अच्छी लगी है कविता? हाँ, मेरे सब लोग मेरे पीछे फिर से दोहराएंगे। चंदा के गांव में, चंदा के गांव में, तारों की छाँव में हम सैर करने जाएंगे, रॉकेट पे चढ़ के जाएंगे। दायां हाथ, दायां हाथ, दायां हाथ अंदर करो, बायां हाथ अंदर करो, थोड़ा थोड़ा इसे हिलाओ, अब तुम सारे घूम जाओ, अब तुम सारे घूम जाओ। ये देखो, ये हमने आकाश की कविता, हम चंदा की गांव में हम लोग सब चले गए, ठीक है। अब वहां पे कुछ हाथी भी थे, अब उन्होंने कहा हम भी जाएंगे सैर के लिए, ठीक है। ये क्या है? हाथी। हम लोग तो चंदा की गांव की सैर पे चल दिए, अब कुछ हाथी थे, हाथी हमने देखा। तो हाथी ने क्या बोला? पहले एक हाथी था, तो हाथी भी जाने लगा। उन्होंने कहा ये सब बच्चे जा रहे हैं चंदा की सैर के लिए, चलो हम भी चलते हैं। तो एक हाथी ने क्या, एक हाथी चला। एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा। जाल को देखा, देख के डरा, दूसरे हाथी को इशारे से कहा इधर रा, इधर रा, इधर रा। अब कितने हाथी हो गए? दो। एक ने दूसरे को बुला लिया तो कितने हाथी हो गए? दो। दो मोटे हाथी झूम के चले, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसे। जाल को देखा, देख के डरे, तीसरे हाथी को इशारे से कहा इधर रा, इधर रा, इधर रा। तीन मोटे, अब तीन हो गए ना, पहले एक था। एक ने जाल को देखा, वो डर गया, तो उसे जाल नहीं टूटा, तो उसने दूसरे को बुलाया, फिर तीसरे को बुलाया, फिर कितने हाथी हो गए? तीन। तीन मोटे हाथी झूम के चले, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसे। जाल को देखा, देख के डरे, चौथे हाथी को इशारे से कहा इधर रा, इधर रा, इधर रा। चार मोटे हाथी झूम के चले, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसे। जाल को देखा, देख के डरे, पांचवें हाथी को इशारे से कहा इधर रा, इधर रा, इधर रा। अब कितने हाथी हो गए? पांच। अब पांच हो गए, पांच, एक से तो जाल नहीं टूटता ना, लेकिन अब पांच हाथियों से जाल टूट जाएगा। पांच मोटे हाथी झूम के चले, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसे। जाल को देखा, देख के डरे, पांचों हाथी ने जाल को तोड़ दिया। पांच
पांच मोटे हाथी झूम के चले, एक साथ एक साथ एक साथ चले। तो क्या सीखा हमने इस कविता से कि एकता में बल होता है। जब एक हाथी ने मकड़ी के जाल को देखा था तो वो नहीं तोड़ पाया था, लेकिन पांच हाथियों ने मिलकर उस मकड़ी के जाल को तोड़ दिया। अब एक पोयम और सीखोगे। बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल, यस सर थ्री बैग्स फुल, वन फॉर माय मास्टर वन फॉर माय टैम, वन फॉर द लिटिल बॉय हु इज लिव द लेन। अब इसकी हिंदी में सुनो। काले काले मेम ने क्या ऊन है तेरे पास, तीन थैले भर के ऊन है मेरे पास, एक थैला मालिक को मालकिन को एक, एक थैला मुन्ने को जो होशियार हो अनेक। तो भैया बहनों आज हमने कितनी कविताएं सीखी, तीन। एक तो हम आसमान में गए, चंदा के गांव में गए, ठीक है ना, चंदा के गांव में गए, और दूसरी हमने हाथियों की एकता का देखा, और तीसरा हमने मेमने का, काले काले मेमने हमने जो है बाबा ब्लैक शिप से ना। तो आप जो है इसमें से एक, तीनों में से कोई एक कविता का लिहाज करके आएंगे और कक्षा में सुनाएंगे।